चलो ये सही मौका है अंदर जाने का, नहीं तो दरबार का चौकीदार वापस आ जाएगा और हमारा बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा। आखिर हम अपने मकसद में कामयाब हो ही गए, अब देखना हम वो करके दिखाएंगे जो आज तक नरलोक के किसी भी भूत या चुड़ैल ने नहीं किया होगा। भूत और चुड़ैल नरक लोक से बाहर निकलकर पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं, जिसके बाद वो वहाँ के कुछ इंसानों को बंदी बनाकर अपने नरक लोक के अंदर ले जाते हैं, जिसके बाद वो सभी नरक लोक पहुंचकर द्वार को बंद कर देते हैं। हाँ तो मेरे सभी नरक लोक के वासियों, आज हम सभी लोग पेट भर कर खाना खाएंगे। कई समय से हम लोगों ने कुछ अच्छा नहीं खाया, लेकिन आज देखो हमारे पास इंसान है, हम उन्हें खाकर अपना पेट भरेंगे। चुड़ैल के ये कहते ही वहाँ खड़े कई सारे भूत और चुड़ैल एक साथ जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। चलो अब इन्हें खाते हैं, बहुत मजा आएगा, मैं तो इन्हें खाने के लिए बहुत ही बेताब हूँ। तभी वो सभी भूत और चुड़ैल गांव के लोगों के ऊपर खाने के लिए टूट पड़ते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग बहुत ही बुरी तरीके से चिल्लाने लगते हैं। नरक लोक का ये नियम था जिसमें जब भी कोई बुरा आदमी मरता था तो उसका शरीर नरक लोक के भूत और चुड़ैलों को खाने के लिए दिया जाता था, लेकिन भूत और चुड़ैल सड़ा हुआ मांस नहीं खाना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने चोरी छुपे किसी तरह नरक लोक का द्वार खोला और गांव के लोगों पर हमला बोल दिया। ऐसे ही दिन प्रतिदिन गांव के लोग रात के समय गायब होने लगते हैं, जिसकी वजह से गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं। हे भगवान, मेरा पति कल रात से गायब है, कहीं दिख नहीं रहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? अरे दीदी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, कल से मेरे पिताजी भी गायब हैं, उनका भी कोई अता पता नहीं है, पता नहीं कहां गए और किस हालत में हैं। चलो मेरे साथ, हम दोनों को मिलकर ढूंढना चाहिए। वो दोनों पूरे गांव में अपने पति और अपने पिता को ढूंढते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि गांव के और भी कई सारे लोग कल रात से गायब हुए हैं, जिसकी रिपोर्ट वो थाने में लिखवाते हैं। जैसे ही धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन गांव वालों को लोगों के गायब होने का कोई पता नहीं चल पाता, जिसके बाद एक दिन रात के समय गांव के सभी लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं और आकाश से बहुत तेज बिजली कड़कने की आवाज आती है, जिसके बाद आकाश से एक रोशनी के साथ कई सारे भूत और चुड़ैल नरक लोक से धरती पर आ जाते हैं। चलो साथियों, अपना अपना शिकार ढूंढ लो, क्योंकि हमें समय होने से पहले ही अपना शिकार ढूंढकर वापस लौटना है। तुम चिंता मत करो, अब देखना हम कितनी जल्दी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। गांव के सभी लोग इतने सारे भूत और चुड़ैलों को देखकर बहुत डर जाते हैं, जिसके बाद वो यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं, लेकिन चुड़ैल और भूत उन्हें पकड़ पकड़ कर मारने लगते हैं। तभी एक बहुत ही भयानक भूत कमला को मारने के लिए उसके पास जाता है। आज तो तुझे खाकर मैं अपना पेट भर लूंगा, तू तो बहुत ही मोटी है, एक ही बारी में तुझे पूरा अपने मुंह में निगल जाऊंगा। ऐसा मत करो भगवान के लिए, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पेट में मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझ पर दया करो। तुझे क्या लगा तेरे रोने धोने से मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तो तुझे और तेरे बच्चे दोनों को खा जाऊंगा। तभी वो भयानक भूत अपने लंबे नुकीले नाखून वाले हाथों से उसकी गर्दन मरोड़ देता है, जिसके बाद वो उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। वहीं नरक लोक के सभी भूत और चुड़ैल भी अपना अपना शिकार अपने कंधों पर उठा लेते हैं, जिसके बाद आकाश से तेज रोशनी आती है और उस रोशनी में वो ऊपर की तरफ जाते जाते गायब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बचे कुचे गाँव के लोगों को ये समझ आ गया था कि आखिर गाँव के लोग गायब क्यों हो रहे थे और उन्हें कौन गायब कर रहा था, जिसकी वजह से अगले दिन सुबह ही हरिया गांव वालों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, देखो गांव वालों, तुम सब जानते हो हम लोगों की जिंदगी बहुत ही खतरे में है, अगर समय रहकर हमने इस समस्या का समाधान नहीं किया तो हमारे साथ कल को कुछ भी हो सकता है। अरे भाई साहब,
हम और कर भी क्या सकते हैं? हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि नर्क लोक के जंगली और भयानक भूत और चुड़ैलों से मुकाबला कर सके। इसके लिए हमें किसी की जरूरत पड़ेगी। चिंता मत करो, मैं एक बहुत ही प्रसिद्ध अघोरी बाबा को जानती हूँ, जिन्होंने कई सारे संकटों को दूर किया है और हमेशा लोगों की मदद करते हैं। हमें अघोरी बाबा को अपने गांव में बुलाना होगा, तभी वो हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। गांव के सभी लोग मिलकर अघोरी बाबा के पास चले जाते हैं, जिसके बाद वो लोग अघोरी बाबा को अपने गांव बुलाने की उनसे प्रार्थना करते हैं। बाबा, आप हमारी मदद करो, हमें इस भूत और चुड़ैल से छुटकारा दिलवाओ, नहीं तो हम सभी की जान चली जाएगी और हम सब मर जाएंगे। वो भूत और चुड़ैल नरक लोक से सीधा यहाँ उतर रहे हैं और इंसानों को खा रहे हैं। बहुत ही भयानक भूत और चुड़ैल हैं जो तुम लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। वो सीधा नरक लोक से यहाँ आए हैं। उन्हें भगाना बहुत ही नामुमकिन काम है, लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों की मदद जरूर करूंगा। ये कहकर अघोरी बाबा अपने थैले में से कुछ सामग्री का सामान अपने साथ रख लेते हैं और गांव के सभी लोगों के साथ उनके गांव पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो पूरे दिन आधी रात होने का इंतजार करते हैं। साथ ही आधी रात होते ही वो ठीक 12 बजे एक यज्ञ तैयार करते हैं और उसके अंदर बैठकर एक मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। जटाटवी गलत जल प्रवाह प्रवित स्थले गले वलम वलम बिता भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 दिनाद वडुमर वयम चकार चंड तांडवम तनोत न शिवा शिवम। तभी अचानक ही आसमान से बिजली कड़कने की आवाज आती है और जोर जोर से तूफान चलने लगता है, जिसके बाद आसमान से एक रोशनी बादलों को चीरते हुए धरती पर आती है, जिसके अंदर से कई सारे भयानक भूत और चुड़ैल निकल आते हैं, जो तांत्रिक बाबा को अपने वश में करने के लिए उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनके ऊपर अपनी शक्तियों का वार करने लगते हैं। लेकिन तांत्रिक बाबा एक ऐसा यज्ञ कर रहे थे जिसके अंदर चाहे कोई कितनी भी शक्तियों से उस यज्ञ को खराब करने की कोशिश कर ले, लेकिन वो खराब नहीं हो सकता था। ये क्या किया तूने? तूने हमें जगाया है, हमें क्रोधित किया है। अब देख अघोरी, हम तेरा क्या हाल करते हैं। अरे मूर्ख चुड़ैल, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देख, मैं तुम सभी का क्या हश्र करता हूँ। ये कहकर अघोरी बाबा अपने मंत्रों के उच्चारण से नरक लोक का द्वार भूत और चुड़ैल के लिए बंद कर देते हैं, जिसके बाद वो सभी धरती पर ही रह जाते हैं। तभी अघोरी बाबा उन सभी के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देता है, जिसके बाद वो सभी भूत और चुड़ैल एक साथ जलने लगते हैं।